हिमाचल प्रदेश के रामपुर में पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों का शोषण कर रही है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जो कि सरकार जनता के साथ अन्याय कर रही है। इसलिए उन्होंने थर्ड फ्रंट बनाने का निर्णय लिया है, जिसका नामकरण वो आगामी नवरात्रों के दौरान करेंगे। उन्होंने अपना दौरा 16 अगस्त से शुरू किया था और 31 अगस्त को अपना प्रदेश भर का दौरा खत्म करेंगे। आगे कहा कि शिमला किन्नौर की अधिकतर जनता का मुख्य साधन सेब है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त मार्केट नहीं है। एशिया के निर्माणाधीन सब्जी मंडी का कार्य 1/4 हो पा रहा है और ऐसे में उन्हें सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसके चलते काम में तेजी लाई जानी चाहिए और किसानों और बागवानों को जिससे सुविधाएं मिल सके। शिमला जिला और किन्नौर की आर्थिकी मुख्यतः सेब के ऊपर आधारित है और साथ में सब्जियों के ऊपर आधारित है। इनके लिए जो जो सुविधाएं आज़ादी के बाद मिलना चाहिए थी वो मिली नहीं है और रिजल्ट है कि किसानों और बागवानों का शोषण हो रहा है। बुनियादी तौर पर सबसे पहले सड़कों का जाल बिछना चाहिए था, वो बिछी नहीं है। और उसके बाद मंडियों का प्रबंध होना चाहिए था जहाँ पर किसानों को उचित दाम मिल जाता, वो भी हुआ नहीं। और साथ साथ में और भी कुछ सुविधाएं देनी चाहिए थी। आज मेरे ध्यान में लाया गया है कि यहाँ पर पराला के अंदर बहुत बार घोषणाएं हो गई हैं, एशिया के लेवल की मंडी बनाने जा रहे हैं, लेकिन धरातल के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। एक ब्लॉक बना है, चार ब्लॉक बनने थे। हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं लेकिन जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इसी तरह से सड़कों के बारे में एक बड़ी स्ट्रेटजिक सड़क छाला से गिरिपुल और गिरिपुल से सनौरा और जाके चौपाल तक भी इसका संपर्क रहता है और यहाँ के सारे बागवान अपना फल और साथ में सब्जियाँ इसी सड़क से लेके जाते हैं। इसको भी स्टेट हाईवे बनाने का कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ।